अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग। आई एम फारा नदीम एंड दिस क्लास इज फॉर MPA 4th मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5th एंड इन दिस चैप्टर वी हैड डिस्कस्ड ऑडिट प्लानिंग, द कमेंसमेंट ऑफ दिस और स्टार्टिंग ऑफ न्यू ऑडिट। We discussed audit procedures, some characteristics of audit procedures, and we discussed the kinds of audit procedure, that is the system audit procedure and the vouching audit procedure also. We discussed the characteristics of these kinds. So today we are going to discuss audit program. First of all, I would like to give you the general meaning of audit program, that what is audit program. Then we will discuss some written definitions by some writers of the audit programs. So what is audit program? Basically, audit program we can say is a list of work to be done by an auditor. ठीक है, ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम हम इसको कहते हैं, और इसको हम इसलिए कहते हैं प्रोग्राम कि ये एक लिस्ट होती है काम की जो कि हमारे ऑडिटर्स ने करनी होती है। तो वी कैन से द टाइम पीरियड फॉर द कम्प्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क इज स्टेटेड इन दिस, कि हमारा टाइम कब ख़त्म होगा, कब स्टार्ट होगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी ऑडिट स्टाफ की, प्रोसीजर्स कौन से फॉलो करनी है, किस तरह से हमने जो है वो वेरीफाई करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उनको वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर्स हमारा ऑडिटर यूज़ कर रहा है वो कौन से प्रोसीजर्स हैं, उसने किस तरह से इस तरह के प्रोसीजर्स को यूज़ करना है, और क्या किसी काम की डुप्लीकेशन को एवॉइड किस तरह से करना है, कोई काम दो दफ़ा ना हो जाए, या फिर कोई जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको वेरीफाई हम दो दफ़ा ना कर लें, ड्यूटीज़ जो हैं उनकी पेस क्या होगी, किस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैसे होगा, उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, उस सब के लिए जो हमारी लिस्ट ऑफ वर्क होती है उसे हम कहते हैं दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। सो देयर इज ए डेफिनेशन बाय हॉवर्ड, ही सेड दैट द ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अराइव एट एन ओपिनियन कंसर्निंग अ क्लाइंट्स वर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो ये बताता है कि हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है ये आउटलाइन है उन सारे प्रोसीजर्स की, ताकि हम किसी क्लाइंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है उसके बारे में ओपिनियन ड्राइव करें, या हम उसके बारे में किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारा जो है ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है। सेकेंडली हम ये भी प्रोफेसर मेगस वॉज इन अदर राइटर, ही सेड दैट ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफिकली द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड गिवन दिस एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड। ओके, सो उन्होंने ये बताया कि ये हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है दैट इज द डिटेल्ड प्लान ऑफ ऑडिट वर्क, उसके प्रोसीजर्स जो कि उन्हें फॉलो करने हैं, वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और कितना टाइम जो है वो रिक्वायर करता है। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारा कहलाता है ऑडिट प्रोग्राम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सम पर्पजेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। सो द बेसिकली व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, हम ये डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स के। ओके, सो फर्स्ट पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नो ओमिशन। सो बेसिकली द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज टू कंप्लीट वर्क, कंप्लीट द होल वर्क ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिटिंग के सारा जो प्रोग्राम का जो हम कहेंगे जो काम है उसको कंप्लीट करना इसका पर्पस है, और इसका ये पर्पस है दैट देयर शुड बी नो ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिट स्टाफ, देयर शुड बी नो ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिट स्टाफ, एंड द ऑडिटर कैन प्रिपेयर प्लान ऑफ एक्शन इन सच अ वे दैट ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलिवेंट रिकॉर्ड्स आर चेक्ड। मतलब ये कि एक तो कोई ओमिशन नहीं होनी चाहिए ऑडिट स्टाफ की तरफ से, दूसरा ये कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इस तरह से बनाना चाहिए कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो, या रिकॉर्ड्स जो हैं रेलिवेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमारा ऑडिटर जो है वो चेक करे।
ठीक हो गया, तो इसे हम कहते हैं जी दैट देयर शुड बी नो ओमिशन. सो दैट वॉज द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. सेकेंड पर्पज इज टू इश्यू इंस्ट्रक्शन. सो द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज टू इश्यू इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट स्टाफ एंड द प्रिंसिपल ऑडिट, और वी कैन से द मेन ऑडिटर इशू सच इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, तो हमारे जो मेन ऑडिटर होता है या हमारा जो प्रिंसिपल ऑडिटर होता है वो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को इशू कर रहा होता है, और द ऑडिट क्लर्क कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर वर्क. तो जो हमारे ऑडिटर ऑडिट स्टाफ होता है बेसिकली वो प्रिंसिपल ऑडिटर की ये सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है. ठीक हो गया. द नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ ऑडिट वर्क, वी कैन से. सो द पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज टू कंट्रोल द वर्क ऑफ ऑडिट, and also it relates to the supervision, or we can say the direction. Basically it the audit program provides the supervision and directions, and the auditor can watch activities of audit clerks while working, while work is going on, and the pace of audit must be according to the time fixed for audit. इसमें जो है हमारी हमारा जो ऑडिटर होता है या प्रिंसिपल ऑडिटर होता है जो कि सुपरविजन और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो बेसिकली ऑडिट क्लर्क्स की एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है कि वो किस तरह से सारे ऑडिट प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो पेस ऑफ टाइम है कितने टाइम में जो है हमारा ऑडिट वर्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और फिक्स्ड कितना टाइम जो है वो फिक्स हुआ हुआ है ऑडिट प्रोग्राम का. तो ये जो है ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ ऑडिट वर्क होता है, और ये भी एक पर्पज़ है हमारे ऑडिटिंग प्रोग्राम का. नेक्स्ट इज द एविडेंस फॉर वर्क डन. सो बेसिकली जो ऑडिट वर्क है ये भी हम कहेंगे कि दिस इज अनदर पर्पज़ ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. सो बेसिकली इट इज़ टू डिवेलप एन एविडेंस फॉर वर्क डन बाय ऑडिट स्टाफ, एंड इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट वर्क, एंड द नंबर ऑफ बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड इट स्टेटेड इन इट बेसिकली, एंड द ऑडिट क्लर्क्स पुट हिज सिग्नेचर एज एविडेंस. तो इसमें बेसिकली ये जो प्रोग्राम को डिवेलप किया जा रहा होता है वो एविडेंस के लिए किया जा रहा होता है कि ऑडिट स्टाफ काम किस तरह से चल रहा है, और रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑडिट वर्क के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, और बेसिकली रिकॉर्ड्स को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किस तरह से किया जा रहा है, और इसमें यह होता है कि हर ऑडिट क्लर्क जो होता है वो अपने सिग्नेचर्स को एज इन एविडेंस पुट कर रहा होता है इसमें. Next is guide to the audit staff. So the purpose of audit program is to guide audit staff for completing their whole work. Basically the date, we can say the time and quality of work are stated in this, and in the audit staff are basically engaged in this according to the amount of work. तो जितना काम ज़्यादा होगा उतने audit ट्रेन के जो स्टाफ है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, अगर कम होगा तो ऑडिटिंग का जो स्टाफ है वो कम रिक्वायर्ड होगा. नेक्स्ट इज़ द टाइम टेबल. सो दिस इज़ ऑल्सो द पर्पज़ ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बेसिकली इज़ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर होल ऑडिट वर्क. हमारे जो पूरा ऑडिट वर्क है उसके अकॉर्डिंगली हम एक टाइम टेबल बनाते हैं. सो इफ़ द ऑडिटर इज सक्सेसफुल, इफ़ ही कम्प्लीट्स ऑडिट वर्क विद इन स्टेटेड टाइम पीरियड, जब अगर हमारा जो ऑडिटर है वो उस स्टेटेड टाइम पीरियड में जितना उसने रखा हुआ है उसमें को जो वर्क है वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी भी जो है परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है. अगर नहीं करता तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी जो और परफॉर्मेंस जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं करती, एंड द टाइम फिक्स्ड फॉर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस. नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल कॉस्ट ऑफ द ऑडिट. सो द पर्पज़ ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज़ टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ ऑडिट वर्क. ठीक है, सो द फी इज़ सेटल्ड विद द क्लाइंट फर्स्ट. हम इसमें ये होता है कि ऑडिट प्रोग्राम में हम ये देखते हैं कि हम एक एक्टिविटी ये भी होती है कि जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ फ़ी को जो है वो सेटल कर लिया जाए पहले से ही, और जो ऑडिटर की जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है वो उसी फिक्स टाइम में ही जो है वो पूरा हो जाए, और जो कॉस्ट ऑफ ऑडिट है वो हमारे ऑडिटर की फ़ी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. So next is to help the audit.
So basically, the purpose to audit program is to facilitate audit work, and the timetable is a guideline for every person to complete his work of audit work. And the question can be asked about doubtful entries, and in this way, flow of work is maintained. So what we get through it that ऑडिट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली हमारा ऑडिट वर्क को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है, टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहा होता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा होता है हर एक इंसान के लिए जो कि काम कर रहा है ऑडिट वर्क में. और क्वेश्चंस ऑफ डाउटफुल एंट्रीज के लिए क्वेश्चंस भी हम अराइज कर सकते हैं इसमें, ठीक हो गया. इसी तरह से हमारा जो फ्लो ऑफ वर्क है वो मेंटेन रहता है. नेक्स्ट इज द ऑडिट डिसीजन. सो दिस इज ऑल्सो ए पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम is to make audit decision, and the audit programs collect basic information relating to any business, and it is a systematic approach to compile data for business performance. So हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो हमारे ऑडिट डिसीजंस को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, और इसके थ्रू ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू हम जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड. और हमारी ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ताकि हम डेटा को कंपाइल कर सकें और हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को मायर कर सकें. सो नेक्स्ट पर्पस इज़ फ्यूचर रेफरेंस. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज़ टू प्रिपेयर रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज एज वेल, एंड द डेटा मे बी नीडेड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्दर. तो ये हम ये कहते हैं कि फ्यूचर के लिए हमारा जो रेफरेंस होता है, जो डेटा हमारे पास होता है, वो हमारी प्लानिंग के लिए काम आ सकता है या हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे काम आ सकता है. ये जो है ये था हमारा, दिस वाज अबाउट आर ऑडिट प्रोग्राम. सो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर टू कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स पे काम करें. जिन बच्चों ने मुझे अभी तक अपनी सबमिट नहीं कराई है वो सबमिट कराएं. अगर कोई क्वेश्चंस रिलेटिंग टू योर एग्ज़ाम्स भी आप लोगों के हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछें, और किसी भी किस्म का जो क्वेश्चन होता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछें. सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्टेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, सम एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम टू some disadvantages of audit program in the next lecture. So that is all for today. Thank you so much, class.